बहुत ज्यादा टेस्टी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम जाने वाले हैं यॉर्क। बहुत ज़्यादा ठंड है तो मैंने दो जैकेट पहन लिए, एक हुडी है और इसके ऊपर एक जैकेट और ये जीन्स। कल का डे तो काफ़ी सनी रहा लेकिन आज काफ़ी विंडी है और ठंड है, तो मैंने ना आफाज लगेगा हमें यॉर्क पहुँचने में, और वहाँ जो जगह है वो आपको दिखाऊँगा कहाँ कहाँ मैं जाऊँगा। तो जिन लोगों ने हैरी पॉटर देखा है और वो हैरी पॉटर लवर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा चीज़ है, जहाँ उनका एक बहुत फेमस सीन शूट हुआ था, तो मैं आप लोगों को वहाँ भी ले जाऊँगा, दिखाऊँगा कि कैसे दिखता है वो जगह। तो आज का व्लॉग इज़ गोना बी रियली फन, सो लेट्स गेट गोइंग। और डैडी कैसे लग रहा है आपको ये जगह? बहुत अच्छा लग रहा है। अभिमन्यु का घर है ये, यहाँ वो काम करता है, रहता है, तो बच्चे के साथ रहना बड़ा अच्छा लगता है। एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ मैंने पहना क्या है। और दो हुडी है, एक जैकेट है और एक हुडी है। तो बताओ कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा हूँ। छोटा सा ब्रेक लिया है अभी, थोड़ा पेट्रोल भरना था और वॉशरूम जाना था, तो मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ क्या सीन है। पेट्रोल भरने का भी सीन बड़ा अलग है, तो वो भी दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये देखो, बर्गर किंग भी दिख रहा होगा और भी कुछ है खाने के जगह, बर्गर किंग, ग्रेग्स, ये क्या है, वेप डिनर, क्या बात है। तो स्नैक्स के लिए मैं ये खा रहा हूँ, तो कुछ अनहेल्दी खाने से बेटर है कि मैं ये हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ। तो इसमें 20 ग्राम्स प्रोटीन है और शुगर 0.9 ग्राम्स है, तो काफ़ी कन्वीनियंट है। पेट्रोल का निकाला और खुद अंदर डालना पड़ता है। ये स्टार्ट हो गया। गाइस, हम यॉर्क आ चुके हैं और सबसे पहला जगह है जहाँ हैरी पॉटर फैंस तो तुम लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो यहाँ हैरी पॉटर का सीन शूट हुआ था, तो जैसे आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे ये वाला, तो यहाँ सीन शूट हुआ था और अंदर पूरा हैरी पॉटर के सीन्स मिलते हैं। तो ये हैरी पॉटर के रूम्स हैं। तो मैं आप लोगों को यॉर्क के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो यॉर्क इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन यूके, और यहाँ बुचर्स होते थे, तो बेसिकली मीट कट करते थे और जो उनका खून था, खून वो यहाँ बहता था, जो ये गली है यहाँ से उनका जो खून था वो बहते रहता था। और यहाँ जो बुचर्स का हुक है, कुछ जगह में दिखेगा भी, मैं वो भी दिखाऊंगा, तो कैसे वो मीट वहाँ लटकाते थे और कैसे उनका खून कैसे नीचे आता था और बहता था। तो यहाँ उनके हुक्स होते थे। तो अभी यॉर्क का स्पेशलिटी चॉकलेट दिखाने वाला हूँ, जो यहाँ बहुत भीड़ लगता है और अभी तो दिखने में जगह भी नहीं मिलती। तो अभी जैसे आप देख सकते हो यहाँ बन रहा है और बाहर तक स्मेल आ रहा है, लिटरली बाहर से कितना अच्छा टेस्ट, कितना अच्छा खुशबू आ रहा है। तो ये ट्राई करते हैं, ट्राई करिए कैसा है। बढ़िया। मासी ट्राई करो, कैसा है बताओ। मासी कैसा है? बहुत अच्छा। तो ट्राई करते हैं कैसा है। बहुत ज़्यादा टेस्टी है। यहाँ के चिड़िया भी अलग होते हैं, डरते ही नहीं है, हमें इनसे डर लगता है। ओ भाई डैडी हट जाओ।
था प्रिजन उस टाइम का, यहाँ लोग जेल में होते थे और चिल मारते थे। सही है, मस्त जगह लग रहा है। जैसा गेम्स खिलाते थे क्या प्रिजनर्स को, क्या ये इन द बकेट। सही है, उन चीज़ों के बारे में बताया जब उस टाइम का वॉर के बारे में, क्या क्या कितने लोग मरे थे, कितने लोगों को इंजर हुए थे और क्या क्या हुआ था वॉर के टाइम, तो ये सब बता रहे इस म्यूजियम में। जेल भाई जेल। भाई ऑन दिस नाइट 9 men awaiting trial died of suffocation in a cell of this size। भाई यहाँ लोग मरे थे ब्रो। To the honorable bench of justices assembled at 12, देखो यहाँ लॉयर केस लड़ रहा है। तो ये यूके में 16th सेंचुरी में प्रिजनर्स कैसे रहते हैं, वो कितना सफ़र कर रहे थे और उनको कैसे ट्रीट किया और कहाँ मरे थे, तो ये जो पार्ट है म्यूजियम के उसके बारे में। तो म्यूजियम ख़त्म हो गया, अब हम कुछ खाने जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा भूख लग रहा है। तो अभी प्लान है कि कुछ क्रेप खाना है। डैडी आपको क्या खाना है? We are going for lunch. We'll eat food. अरे यार आप यूके में हो, आप एक्सेंट में बात कर रहे हो। ये वाइकिंग म्यूजियम है। ये होल इन द वॉन्ड। होल इन द वॉन्ड। ये वाइकिंग।
इसका ख़त्म और व्लॉग यहीं एंड करते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल बी सीइंग यू गाइस नेक्स्ट टाइम।